अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं व्हाट्स टेक। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम का हल बताऊंगा जो कि मोस्टली काइनमास्टर के यूज़र्स के साथ पेश आती है, तकरीबन हर काइनमास्टर के यूज़र्स के साथ। तो वो प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम कोई भी वीडियो एडिट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फुल एडिटिंग कर लेते हैं उसमें, और उसमें एडिट करने के बाद जब सेव करने की बारी आती है तो हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो उसका सलूशन भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या आती है। तो यहाँ से हम कोई मीडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यह एक वीडियो है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और चलें इसे ज़रा कम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। यह हमारी वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डायमेंशन ऊपर आप देख सकते हैं 1280 मल्टीप्लाई 720 इसकी डायमेंशन है। तो ये आपने बहुत जो है वो ख्याल रखना है, इसी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जो है किसी मोबाइल का जो डायमेंशन होती है, वो रिजोल्यूशन होती है, वो कम होती है, और आपने यहाँ पर जो है वो ज़्यादा क्वालिटी वाला जो है इमेज लगाई होती है, या फिर ज़्यादा क्वालिटी वाली जो है वीडियो लगाई होती है। तो जिस तरह ये जो है वो सेव होगी मेरे मोबाइल में, क्योंकि 1280 मल्टीप्लाई 720 ये मोबाइल में सेव हो जाएगी आसानी से। इसके साथ अगर मैं कोई तस्वीर लगा लूँ, ठीक है, एक तस्वीर लेयर में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि बड़ी डायमेंशन की हो, ये है, ठीक है, 1920 मल्टीप्लाई 1080। तो इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐड हो चुकी है यहाँ पर। अभी जो है हमारी ये वीडियो सेव कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मोबाइल की जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है, ये कितनी है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ऊपर आप देख सकते हैं 1920 मल्टीप्लाई 1080। तो मैं आपको दो सॉफ्टवेयर बताऊंगा, इसको आप अभी सेव करते हैं हम, ठीक है। यह वीडियो हमने मिसाल के तौर पर यह सारी वीडियो जो है वो एडिट करके बना ली है, अब सेव करने की बारी आती है, तो यहाँ से सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेव टू गैलरी आप किसी भी फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे, चाहे लो क्वालिटी में करते हैं, मीडियम में, हाई डेफिनेशन, कोई भी क्वालिटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो जो है कभी भी सेव नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ से हाई डेफिनेशन कर लेता हूँ, 1280 मल्टीप्लाई 720, तो ये थोड़ी सी चलेगी, उसके बाद हमें एक एरर देखने को मिलेगा जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है, एन एरर अकर्ड वाइल एक्सपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कुड नॉट बी कंप्लीटेड। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, मिड में आ गई है। मैंने वीडियो को जो है वो थोड़ा सा पॉज कर लिया था, चलें ओके करते हैं और इसका प्रॉब्लम, इसका जो सलूशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली वीडियो जो है हमने सेलेक्ट की थी, तो इसका सलूशन ये है कि ये वीडियो या फिर आपकी जो तस्वीर है वो बड़ी है। आप इसे किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके लिए आपने प्ले स्टोर में जाना है। दो ऐप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली ऐप जो है वो है CPU Z, ये वाली ऐप है, ठीक है, इसे आपने इंस्टॉल कर देना है अपने मोबाइल में। तो दूसरी जो ऐप आपके पास होनी चाहिए वो है वेट ट्रिम वीडियो एडिटर। तो आपने ऐसा करना है कि इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, प्ले स्टोर से आप जो है इसे डाउनलोड ना करें, आप किसी ब्राउज़र से डाउनलोड कर लें और प्रो वर्ज़न जो है इसका डाउनलोड करें, ठीक है। ये प्रो वर्जन नहीं है, आपको जो है किसी भी ब्राउज़र से इसका प्रो वर्जन मिल जाएगा जी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं, इंस्टॉल भी हो चुकी हैं। सबसे पहले CPU Z में जाते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ देख सकते हैं। तो ये आपकी मोबाइल की मुकम्मल जो है वो मालूमात आपके सामने आ गई है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें आप कितनी जो है वो रिजोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद डिवाइस पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन। मैंने वहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट की थी 1920 मल्टीप्लाई 1080 वाली, तो यहाँ पर हमारे मोबाइल का जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन रेजोल्यूशन, वो है 720 मल्टीप्लाई 1280। तो इसके दरमियान में ही हमने कोई भी तस्वीर या वीडियो सेलेक्ट करनी है, अभी वो जो है वो वहाँ पर आएगी और वहाँ पर जो है वो हमारी फ़ाइल जो है वो सेव होगी,
ठीक है, हमारी जो भी वीडियो है वो सेव होगी एडिट होके। तो यहाँ पर आप मुकम्मल इसकी मालूमात जान सकते हैं, ठीक है, सेंसर अबाउट वगैरह, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने मोबाइल के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी जो फाइल है ये इम्पोर्टेंट फाइल है विट्रिम प्रो। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी वीडियो आपने यहाँ से लेनी है जो बड़ी वीडियो हो, HD में हो, ठीक है। तो ये तो 720x1280 है, ठीक है, 1280, तो ये तो वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन वैसे ही मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लें ये वीडियो जो है वो HD क्वालिटी में, बहुत बड़ी क्वालिटी में है, ठीक है, यानी 1080 या 1920 रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसकोड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना है 720, 576 या फिर 480। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो वैसे ही रहेगी, ठीक है, और रिजोल्यूशन है जो है वो थोड़े सा कम हो जाएगा। आपने यहाँ से हाई कर लेना है, और अगर आपकी वीडियो में कोई ऑडियो है तो आप उसे भी रख सकते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल ऑडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और यह सब कुछ करने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर आपको ट्रांसकोड का ऑप्शन नज़र आएगा, आइकन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो यह ट्रांसकोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। यह थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, और आपकी वीडियो जो है मुकम्मल एडिट करके आपको दे देगी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, काइनमास्टर में जाके इसका जो है यूज़ कर सकते हैं और आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको उसका भी सलूशन बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।